क्या हाल अच्छा अभी हैं कितने 200 सीढ़ियां हैं 200 कुछ तीन ओ मेरी माटी ओ मेरे को पानी हे मां ओ ठंडी धार पानी की छलार भैया जी हमने सुबह सोचा था कि भैया डायरेक्टली पहले कुंजापुरी माता मंदिर जाएंगे और उसके बाद जाएंगे हम सुरकंडा देवी मंदिर, लेकिन क्या करें हमने सोचा फिर उसके बाद सोचा जब चले हम तो हमने कहा पहले सुरकंडा चले जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी दूर है, वहाँ वक्त लगेगा, हमें वहाँ दर्शन कर लेते हैं पहले। तो सुरकंडा जी के वहाँ हमने दर्शन कर लिए पहले और अब हम जा रहे हैं माता कुंजापुरी के लिए। तो भाई कुंजापुरी का रास्ता हम ये देख सकते हैं आप कितने सारे पेड़ हैं, हरियाली हरियाली है, और यहाँ से कुंजापुरी जी के दर्शन करके और फिर हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। और अभी हम यहाँ चंबा पार कर रहे हैं, चंबा पार करेंगे जैसे ही उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे नरेंद्र नगर के आसपास तो वहाँ कुंजापुरी माता मंदिर मिल जाएगा हमें। तो आप देख सकते हैं रोड, हम यहाँ पे बिना पेट्रोल के बाइक चला रहे हैं, मतलब पेट्रोल हमने ऑफ कर दिया है और बस बंद कर दिए गाड़ी और ढलान ही ढलान है, ढलान ही ढलान में सीधे सीधे जा रही है। और रास्ते आप देख सकते हैं जिग जैक है सांप की तरह, और भैया मोड़ों पे हमें हॉर्न बजाना पड़ रहा है क्योंकि अचानक से कोई भी गाड़ी आ जा रही है और वो लोग तो जो लोकल हैं यहाँ के हॉर्न वगैरह बजा नहीं रहे, इसीलिए हम बजा रहे हैं। और इस तरह आप ढलान पे अपना पेट्रोल बचा सकते हैं गाड़ी का पेट्रोल ऑफ करके। तो भाई देख तो ये देखो सीधे 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 चल रहे हैं जिग जैक रास्ता, या आ गई कार सामने से। तो कुछ दूर चलने पे यहाँ मिल गए मम्मी जी और मोहित, उसके बाद मम्मी जी ने कहा लाओ मैं तुम्हारी व्लॉगिंग करती हूँ, और भाई फिर मम्मी जी लग गई अपने काम पे। ये मम्मी जी ने आगे कैमरा करा फिर हमारी तरफ कैमरा करा, और अब देखिए आप साइड में चट्टानें देख सकते हैं और ये देखिए कितनी गहराई है साइड में, कितना गहरा है साइड में। और अब हाई कह रहे हैं मम्मी जी को और सोनी ने भी हाई कह दिया। मम्मी जी अब हम पे फोकस करके, अब हटा के अब यहाँ फोकस करिए नरेंद्र नगर पर, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और तो चलते चलते हमें लग गई थी भूख और हम रुक गए एक रेस्टोरेंट पे, और यहाँ हमने ऑर्डर किया है कुछ खाना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गई मिक्स वेज और सलाद है, और ये रोटी है बटर रोटी ऑर्डर करी थी, इस पर बटर नहीं लगा, अभी बटर करने के लिए मोहित जा रहा है, और हमने राजमा भी मंगाया था। व्यू दिखाता हूँ, देखो कहाँ पे खा रहे हम खाना, क्या ज़ोरदार व्यू है ना, पहाड़ी पहाड़ यहाँ से, और ये फोटोशूट चल रहा है मम्मी और सोनी का, खाना बाद में खाएंगे, फोटोशूट पहले करा रहे हैं। ये देखिए ये देखिए, तो ये है हमारे पहाड़, इधर हमारा नाश्ता मतलब लंच इधर है हमारा, और इधर देखिए अगर ये शाम का टाइम होता ना तो और मज़ा आता, इवनिंग होती तो, बट अभी थोड़ी धूप है हल्की हल्की, कोई नहीं एडजस्ट कर लेते हैं, व्यू से मतलब है हमें चाहे धूप हो चाहे छांव हो, ठीक है ना। ओ ठंडी धार पानी की छलार, ओ मेरी नंदा ऊंचा कैलाश जान दफनी यख बैठी। तो भाई खाना खाने के बाद हम निकल चुके हैं कुंजापुरी देवी मंदिर के लिए, और यहाँ का रास्ता भी चढ़ाई है और ढलान है और अपना जिग जैक है। तो भैया रात का ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है, बट रात नहीं हुई, अभी तकरीबन आपका 6 बज रहे हैं, और 6 बजे देखिए इतना अंधेरा हो चुका है। वो तो मेरा फ़ोन है, इस फ़ोन की थोड़ी सी मैंने लाइट जो है वो ऑन कर रही है फ्लैश लाइट, इस वजह से थोड़ा सा उजाला दिख रहा है, वैसे बिना फ्लैश लाइट के बिल्कुल अंधेरा लग रहा था ये। और इसके बाद ये देखिए कितनी चढ़ाई है भाई साहब, मोड़ी मोड़ हैं, और हम ये देखिए हमसे आगे कुछ ये दो और चल रहे हैं, ये लोग भी कुंजापुरी की तरफ जा रहे हैं, और ये लोग पता नहीं यात्री हैं या वहीं रहते हैं हमें नहीं पता। भाई लोगों यहाँ पहुँच चुके हैं हम कुंजापुरी की, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, ओ ये सिद्धपीठ माँ कुंजापुरी माँ, ये सारी दुकानें यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। हाँ
काफ़ी लेट हो गए हम, लेकिन फिर भी दर्शन तो हो ही जाएंगे इस टाइम पे हमको। ये देखो दोस्तों, यहाँ से हैं सीढ़ियाँ स्टार्ट, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और ये तकरीबन 312 सीढ़ियाँ हैं। क्यों 312 सीढ़ियाँ हैं यहाँ से जाते हैं, सीढ़ी से भी जाते हैं ना। ओ यहाँ का व्यू, शाम हो गई, चंद्रमा भी आ गई। ओ ये व्यू देखो पहाड़ों का, शाम के टाइम का, रात होने वाली है। चलो भाई चलो, जय माता दी। मम्मी मजा। कितनी सीढ़ी हो चुकी है? 94 हो गई है। 94 सीढ़ी हो चुकी है अभी। तो ये देखो दोस्तों, मम्मी और आ रहे हैं, सांसें फूल गई चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों में हमारी तो। और मम्मी को देखो, बुड्ढे होने के बावजूद भी थकी नहीं, बिल्कुल सांसें नहीं चढ़ रही, मम्मी तो नॉर्मल लग रही हैं। ये भैया इनकी सांसें चढ़ गई, ये जवान बच्चे हमारे, यंग जनरेशन। ये देखो अच्छा, लोग माता समझ में नहीं आना ना, जो गढ़वाली नीचे सब आएगा। हाल है ये जवानी में तो बुढ़ापे में क्या होगा भाई। लोगों ऐसे चढ़ते चढ़ते अगर आप थक जाओ तो यहाँ ही ऐसे विश्राम करने के लिए बना रखा है कोने कोने में। अभी बस चल रहे हैं, पहुँचने वाले हैं ऐसा लग रहा है मुझे। पहुँच गए, वाह भाई 312 सीढ़ियाँ पार कर दी, हमें पता ही नहीं चला, सांसें तो फूल गई बेशक। ये देखो दोस्तों, यहाँ मोहित साहब पहले से ही खड़े हैं। और आगे इधर से चलें, ये रास्ता तो नहीं है, ये है रास्ता। चलो भाई अब इस रास्ते पे चलना है। कहाँ पे? इधर से आ रहे हैं। यहीं पे उतारना है? हाँ, ये अच्छा। अरे दोस्तों, यहाँ चढ़ने से पहले जूते उतारना तो मैं भूल गया था, यहाँ पे जूते उतारने हैं। जूते उतारते हैं भाई साहब। जय माता की, हुए हमारे पे। जय माता दी, जय माता की। ये शेर, भाई अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुंजापुरी माता का मंदिर है। यहाँ पे काम चल रहा है मेरे हिसाब से, ऊपर प्लास्टर वगैरह हो रखा है अभी यहाँ पे। और यहाँ साइड में ये छोटे छोटे विश्राम के लिए बना रखे हैं। ये शिव जी का मंदिर है और आगे दूसरा मंदिर भी है। और अगर सुबह का वक्त होता तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ से, लेकिन अभी हो चुकी है रात और अभी हम आपको कुछ ज़्यादा तो दिखा नहीं पाएंगे अंधेरे के अलावा। और अंदर चलते हैं मंदिर में अब। और यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम बाहर रख देंगे अपने फ़ोन को और अंदर दर्शन कर लेते हैं पहले। हमने अंदर दर्शन कर लिए माता रानी के, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और अब हम कर रहे हैं मंदिर की परिक्रमा। ये भी तो होती है परिक्रमा। ओ तेरी की, नीचे गिर गया मैं। ओह भगवान, चलो चलो। हाँ अंदर से भी होती है वैसे तो। हाँ ये यहाँ फोड़ना है नारियल। नारियल यहाँ पे नारियल फोड़े जाते हैं। परिक्रमा हो गई हमारी लगभग लगभग पूरी। यहाँ पे भी शिव जी हैं। इधर भैरव बाबा का भी मंदिर होगा इधर, है ना? हाँ होगा दोस्तों, यही है। तो भैया अब हम, हमारी हो गई है परिक्रमा पूरी। और यहाँ पे ये जो कुंजापुरी माता है, इसकी भी एक अपनी कहानी है, जिस तरह सुरकंडा माता की है। और यहाँ पे जो कुंजापुरी माता है, तो इन सुरकंडा में तो आपका जो माता का सर गिरा था, और यहाँ पे माता का सर के नीचे का
जो है पार्ट गिरा था, तो इसलिए यहाँ पे कुंजापुरी देवी नाम पड़ गया इस मंदिर का। और यहाँ पे साइड में देख सकते हैं भोले और पार्वती का मंदिर है यहाँ पर। और ये पूजा का सामान यहाँ से भी खरीद सकते हैं आप पूजा के लिए। और भैया ये हमारे भोलेनाथ कितने अच्छे लग रहे हैं माता पार्वती के साथ। और भाई ये भी एक मंदिर है, अब ये नहीं पता किस चीज़ का मंदिर है, ये भैरव बाबा का या किसी और का है। दोस्तों हमने माता जी के दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। और देख सकते हो इतना अंधेरा हो गया है, अंधेरे में चलानी है अपने को बाइक। अरे यार जाने एक बार देखते हैं गेट के बाहर, हेलमेट रह गया। हेलमेट रह गया उधर? अच्छा भाई हेलमेट रह गया, अभी मैं हेलमेट लेके आता हूँ वापस। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना नीचे जाके याद आता तो फिर ऊपर दोबारा से 300 सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती। हाँ मज़ा आ गया दोस्तों एक और माता के दर्शन करके। आज हम आ गए हैं पार्किंग में, ये रही हमारी बाइक। अब बाइक उठाते हैं और आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया, अब निकलते हैं घर को भाई साहब जल्दी से। तो दोस्तों फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और बज चुके हैं 8। और ब्लॉग कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट में, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। तो मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में।